सो गाइज मैं हो चुकी हूँ एकदम रेडी एंड आज मेरे को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाना है, रायन फ्रेंड्स के साथ. तो वी वर प्लानिंग की कहीं आराम से लंच करेंगे, बैठेंगे, स्टार्टर्स वगैरह खाएंगे. तो लेट्स सी कि हम पिंच ऑफ स्पाइस जाते हैं रजौरी गार्डन, या फिर मुझे लोटस लीव बहुत अच्छा लगा, या फिर वहां पे जाएंगे. एंड सेकेंड थिंग ये कि अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ मौसी को लेकर. मौसी के थोड़े बहुत टेस्ट होने हैं और शायद एक आधा टेस्ट मेरा भी होना है किसी चीज का. तो मैं सोच रही हूँ मैं भी साथ में ही करा लूँ. मौसी और मेरे ऑलमोस्ट सिमिलर टेस्ट ही होने हैं तो वो चीज़ मैं भी करा लूँ. तो फिलहाल मैं पानी पी रही हूँ बहुत सारा, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी टेस्ट कराने और उसके बाद मैं जाऊँगी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ मस्त एंजॉय करने. तो मैं आपको सारी चीज़ें व्लॉग में दिखाऊंगी. एंड यस, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर कर लो जस्ट बिकॉज मैं वहाँ पे बहुत ही मस्ती करती हूँ, फुल नौटंकी करती हूँ एंड अपने सब्सक्राइबर से बातें करती हूँ स्टोरीज पे. दिन की 50 स्टोरी डाल देती होंगी मैं बैठे बैठे, नौटंकी वाली पूरी. तो आप लोग इंस्टाग्राम को फॉलो करो, गोयल फैमिली नोकझोंक. इंस्टॉल करो, आईडी बनाओ और फॉलो करो गोयल फैमिली नोकझोंक. देखो मेरे फेस पे जो लाइन आने लग गई ना, मतलब ये मेरा फेस पतला हो ही जा रहा है. गाइस ब्लड टेस्ट होने वाला है, शुगर टेस्ट लिखा है डॉक्टर ने, बहुत टेंशन हो रही है, हार्ट बीट्स फास्ट हो रही है और कोई एच बी टेस्ट लिखा है. डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है. हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है. बिना ब्लड लिए भी हो सकता है, डर लग रहा है यार. प्रॉब्लम क्या हो रही है? उतरी प्रॉब्लम क्या हो रही है? हो गया, थैंक यू सो मच, निकाल लो. बहुत हो गया, उठी बोल दीजिए. जय माता दी. रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? शाम को 5:30. सो गाइस मैं अपने सारे टेस्ट करा के घर पे आ गई हूँ. उन्होंने मुझे वहीं पे थोड़ा बहुत बता दिया था और सारी चीज़ें मस्त तैयार हैं. वेरी हैप्पी टुडे. बाकी मेन शाम को रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा. और मेरा शुगर टेस्ट वगैरह भी हुआ है. बस ये छोटे मोटे टेस्ट मतलब चलते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें चल रही हैं साथ में, तो बस इसलिए टेस्ट वगैरह कराया बहुत टाइम बाद. एंड अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ फटाफट से ऐसे ही बन के, और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए. मेरा बहुत मन कर रहा है क्योंकि खुश हूँ तो मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का. तो मस्त आराम से आई विल अवॉइड मैदा अगर मैं कर पाई तो, बाकी सब कुछ खाऊंगी मस्त मज़े में. तो जा रहे हैं लोटस लीफ, अभी तक का तो प्लान यही है. और गाड़ी इस बार मैं अपनी लेके जा रही हूँ क्योंकि मुस्कान की गाड़ी अवेलेबल नहीं थी. क्वांटिटी पे डाउट हो रहा है मुझे. मुझे सिर्फ मुझे पनीर क्यों नहीं मिला भाई? पनीर इज माय फेवरेट. सारा पनीर मुझे ही दे दो, बल्कि इनको मत दो. थैंक यू, थैंक यू. गाइस ये जो स्टफ पोटैटो है इसमें सिर्फ और सिर्फ तिल का टेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ तिल का टेस्ट है. तो अगर आप लोग आओ तो तंदूरी प्लेटर बिल्कुल ऑर्डर मत करना. बोलो आओ ही मत, है ना? क्या बोलोगे तुम लोग? प्लीज मत आना, मत आना, पैसे बर्बाद है, पैसे बर्बाद तो नहीं है, मतलब एक एक से बढ़िया बनने वाली. हाँ सच में.
गाइस ऐसा इतना भी बुरा नहीं है बट ठीक है, आप डिनर के टाइम पे आना, लंच के टाइम पे अच्छे से आपको भाई मंचूरियन भी रखा हुआ है अभी तो। फ्रेंड जयपुर से आए ये कार्टन मेरे भाई के घर से, आई थिंक इसमें मट्ठियाँ हैं क्योंकि मेरे भतीजे का फ़ोन आया था तो उन लोगों ने बना के भेजी है मट्ठी, क्योंकि जब बहू रानी जी आई थी तो मैंने प्रियंका को बोला था मट्ठियों के लिए, तो ये आ गई हैं मट्ठियाँ। आप देखते हैं खोल करके, सासू बहू जी ने बना के भेजी है मेरे लिए मट्ठियाँ। ओहो फ्रेंड पूरा डब्बा है मछली का। वाओ फ्रेंड्स, ये देखे रुके भी आए हैं, ये बाइना होगा किसी का मठिया। फ्रेंड मठिया कितनी करारी हैं कि देखिए टुकड़े टुकड़े हुए हैं मठियों के कोरियर में, ये देखिए बिल्कुल चूरा हो गई है मठिया। पर देखिए फ्रेंड्स, थैंक्स टू भाभी जी एंड बहू रानी जी आई मठिया हमारे यहाँ, ये देखिए। और साथ में फ्रेंड्स ये आया है, इसके अंदर आए हैं ड्राई फ्रूट्स। फ्रेंड्स मायके के सामान की बात ही कुछ और होती है, ये बॉक्स के अंदर आया है। थैंक्स भाभी जी, थैंक्स प्रियंका, थैंक यू सो मच। अब हम लोग आए हैं एवर बेक, मेरे फर्स्ट टाइम एवर बेक देखा है, बस सुना ही सुना था एवर बेक एवर बेक एवर बेक एवर बेक एवर बेक एवर बेक, बट वी आर हियर एट एवर बेक विद माई चडी बडी। सो गाइस मैं आई हूँ यहाँ पे एवर बेक, मुझे यहाँ पे ये वाला केक बहुत पसंद आया, सोच रही है ले लूँ। और साथ में ये लोग खा रहे हैं यहाँ पे, कैसा है ये? ये तो मस्त है यार। हाँ कैमरा बंद करेगी तो मैं खाऊंगी। मैं कैमरा बंद नहीं करूँगी, मैं खाऊंगी नहीं। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाऊँ ना कि मैं एवर बेक आ गई हूँ तो उनको दिख जाए। तो एवर बेक आई हूँ अपने स्कूल रॉयल इंटरनेशनल, हम अपने स्कूल आए, हमें अपने स्कूल में ही अंदर नहीं जाने दे रहे यार। ये देखो ये क्या मतलब, ये रायन इंटरनेशनल की कोई भी टीचर, अरे वो टीचर मेरी गाइस, ये भैया हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं, भैया को देख लो। बताया कि आप व्लॉग्स देखते हो, अच्छा आज भी देखा। अरे वाओ यार थैंक यू सो मच। तो आपको कैसे मिले व्लॉग्स वगैरह? ओके तो कितना टाइम हो गया आपको देखते हुए? मुस्कान के घर से मैं हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट फ्री, अभी फिलहाल हम एक आंटी का वेट कर रहे हैं, वो बेसिकली मेरी सब्सक्राइबर है, 2 साल से मेरी व्लॉग्स देख रही हैं और वो मुस्कान की मम्मी की फ्रेंड है, तो बस वो आ रही थी मेरे से मिलने और आई होप कि वो बस जल्दी से आ जाए क्योंकि मेरी क्लास है और 6:30 बज गए हैं। ये क्या लेके बैठ गई, क्या आ गया ये? ये तुम्हारे ससुराल वालों ने मट्ठी भेजी है मेरे लिए। मेरे ससुराल वालों ने? दिखाइयो शक्ल, दिखा देना बंद क्यों कर रही है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा ये चूरा भेज दिया और कह रही है मठिया भेजी है, चारों ने कोरियर से भेजा, डब्बा भी है ये रहा, हिल पिल के टूट गई, इतनी कुरकुरी बनी है कि मोमेंट से घी तेल इतना डाला है कि टूट गई है, ऊपर तक तैर रहा है घी तेल। दिखा तुम्हें तो यही नखरे है तुम्हारे तो, चिल इधर दे दो, नहीं खाए तो मैं खा लूंगी डब्बा, डब्बा भी आया देखो साथ में। तुम्हारे इन्हीं लखनऊ के कारण ना शादी से पहले तुम्हें 10-10 इंटेलिजेंट लड़कियों ने रिजेक्ट करा हुआ, इसीलिए। सही में? हाँ। मतलब तू मानती है ना इंटेलिजेंट नहीं है, कन्फर्म है ना अब तेरे को? मैं झूठ तो नहीं कहता था, मेरी बात सच तूने खुद साबित कर दी है, ध्यान रखियो। मेरे को पट्टी नहीं बन गई थी, सच्चाई ब्याह होती है कई बार कि खुद इंटेलिजेंट नहीं है, अगर 10-10 मुझे इंटेलिजेंट लड़कियों ने रिजेक्ट करा और तूने एक्सेप्ट करा
तो ये मानती है ना मैं इंटेलिजेंट हूँ, तू इंटेलिजेंट नहीं है। अरे मैंने कहा तुम्हारी उम्र निकल गया, हाँ। कोई तो ब्याएगा, मैं ही ब्या लेती हूँ। हाँ अपनी ना बोलियो। क्या देख रही है, घर में क्या चीज होगी ऐसी, मैंने क्या करा दिया? अरे मैं ये सोच रही हूँ जब से मैं शादी करके आई हूँ घर में एक भी मच्छर नहीं है। अरे क्या हो गया? मच्छरों ने पता जाते हुए मुझे क्या कहा था? तुम्हें? हाँ। जाते हुए? हाँ। ओ। कहते हैं हम इस घर से जा रहे हैं। मैंने कहा भाई क्या हो गया, इस घर में तुम्हें खाने पीने को नहीं मिलता? कहते हैं नहीं नहीं अब तो आपके घर में परमानेंट खून पीने वाली आ गई, अब हमारे लिए बचेगा ही कहाँ। कौन आ गई खून पीने वाली? अब मच्छरों ने बोला कौन आ गई है, तू खुद सोच। तो पूछते ना उनसे कि कौन आ गई, खुद सस्पेंस भी होता है। सो गाइज, एक घंटा वॉक करने के बाद मैं आ चुकी हूँ घर पे, एंड उसके बाद मैंने सोनिका वाला बंसल फैमिली वाला ब्लॉग एडिट कर दिया है, एंड अभी फिलहाल मैं बना रही हूँ बेसन का सीरा। आज भी खुद ही स्वीट मॉम सो चुकी है, तो मुझे बनाना है बेसिकली पतला सा, तो मैं सोचू बेसन एकदम कम डालूंगी ताकि बने पतला। एंड काफ़ी लोगों ने मुझे बेसन सीरे की रेसिपी पूछी है, तो रेसिपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। सो गाइज, मेरा बेसन का सीरा हो चुका है रेडी, पतला पतला सा एकदम बढ़िया।